What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 29 दिसंबर 2020, ट्यूसडे है, सुबह के 8:33 हो रहा है। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का और निफ्टी इंडेक्स 14,000 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले क्या रेजिस्टेंस के लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा 13,780 के पास ब्रेकआउट लेवल बन रहा था और सेकेंड टारगेट 13,817 बन रहा था। तो जैसे कि आप देख पा रहे, गैप अप ओपन हुआ था निफ्टी इंडेक्स कल और जो सेकेंड टारगेट था उसके ऊपर ऑलमोस्ट ये ओपन हुआ और पूरा दिन एक साइडवेज पैटर्न में, एक बोरिंग फेज में ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो कल के जो प्री मार्केट हमारा प्लान था उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता। तो जैसे कि आप देख पा रहे, एक बोरिंग फेस यहाँ पर ये जो क्रिएट हुआ है, ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऐसा ईयर एंड में दिखाई देता है, क्योंकि FII का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा यहाँ पर उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर में क्रिसमस और ईयर एंड की छुट्टियाँ चलती है। यूरोप ऑलमोस्ट छुट्टियाँ रहती है, यहाँ पर US में छुट्टियाँ रहती है और मिडल ईस्ट में कुछ जगह पर छुट्टियाँ रहती है। तो यहाँ पर FII का थोड़ा पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। तो एट द ईयर एंड यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा एक बोरिंग फेज, एक स्लो मूविंग फेज देखने को मिलता है। तो ये कल का एनालिसिस था। कल के एनालिसिस जो प्री मार्केट हमने यहाँ पर लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता। ग्लोबल मार्केट के सबसे पहले हालत देख लेते। कल US मार्केट में रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग देखने को मिली। नासडैक 94 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टिमुलस पैकेज है उसको साइन करने के बाद वो उधर के मार्केट में भी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो हरे निशान में कल बंद हुए और ऑलमोस्ट एशियाई बाजार आज सभी हरे निशान में इस वक्त ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। SGX निफ्टी 50 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर भी देखे तो ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पर अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। 135 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। चलते निफ्टी के वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यूज़ करके ये आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर अभी ये 13,700 के पास 2 वीक यहाँ पर ये इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। निफ्टी ने यहाँ पे जो लास्ट मंडे एक ज़बरदस्त फॉल दिखाया उसके बाद पूरा तरह से रिकवर होके जो लास्ट हाई बनाया था, रिकॉर्ड हाई, उसको ब्रेक करके निफ्टी लगातार 14,000 के पास तेजी से पहुंच रहा है। तो अभी एज पर वीकली चार्ट यहाँ पर 14,000 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर भी होगा। उससे पहले क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल आ सकते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए उससे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना होगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम डेली चार्ट का अगर देखें तो इसने प्रीवियस, ये जो प्रीवियस हाई बना था इसको प्राइस एक्शन ने ब्रेक कर दिया, लेकिन RSI को नीचे देखें तो यहाँ पर जो प्रीवियस हाई बना था उसको RSI ने ब्रेक नहीं किया। यानी बुल्स का कंट्रोल यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन RSI जो दिखा रहा है यहाँ पर इतना पावरफुल कंट्रोल अभी भी बुल्स का नहीं है, ऐसा ये सजेस्ट हमें कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऊपर 14,000 का ये साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। निफ्टी इंडेक्स 120 ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स दूर है 14,000 के लेवल के पास। तो यहाँ पर डेली और वीकली चार्ट में 14,000 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। उससे पहले अगर आर्ली चार्ट में अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स को ड्रॉ करें, जो लास्ट स्विंग हाई लो यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट ये जो कल का स्विंग हाई एक बना था छोटा सा, इसको पकड़ के अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें तो यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 13,900 के पास, जो कि 38.2% का लेवल है, और उसके बाद 50% का लेवल ऑलमोस्ट पिवट पॉइंट का R2 का जो लेवल है 13,930 उसी के पास आ रहा है। तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लेवल्स है और उसके बाद 61.8% का 13,950 के पास आ रहा है। यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा होगा क्योंकि पिवट पॉइंट के लेवल्स भी उसमें मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर आज के लिए ब्रेकआउट लेवल बन सकता है ये जो
पीवट पॉइंट का R1 का लेवल है यानी 13,900, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,916, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 13,930, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर कल की तरह एक्सट्रीम फिर से गैप अप ओपन होता है तो ये सेकंड टारगेट है 13,930, उसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए, तभी इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज जब ये फिर से टूवर्ड्स साउथ की तरफ आएगा और फिर ऊपर की तरफ जाते वक्त ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करेगा तभी पोजीशन बनाना फायदेमंद साबित हो सकता है, और टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो पिवट पॉइंट, ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है यानी ऑलमोस्ट 13,855 को अगर ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,841 और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 13,828 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। निफ्टी इंडेक्स काफ़ी बुलिश है तो ऊपरी लेवल्स पे नए रिकॉर्ड हाई लेवल के ऊपर प्रॉफिट समय समय पर बुक करना काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो ये है आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।